कि राष्ट्रीय सेवा योजना FES कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने सलाम रानी हिरई कार्यक्रम के तहत शहर के गोंड राजा बिरसा व रानी हिरई की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। गोंड राजा की समाधि स्थल पर हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि आज के युवा प्रेम दिवस के अवसर पर क्षणभंगुर प्रेम का पीछा ना करे। हर रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किए बिना छात्र कर सकते हैं सही संदेश दिया जाए। प्रेम के प्रतीक राजे बिरसा के मकबरे का निर्माण रानी हिरई ने उनकी मृत्यु के बाद खूबसूरती से करवाया था। पूरे भारत वर्ष में ताजमहल का निर्माण बादशाह ने अपनी बेगम के प्यार में किया, मगर चंद्रपुर की शासक रानी हिरई ने राजे वीर शाह की हत्या के बाद बिना रुके चंद्रपुर राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए गोंडवाना राज्य में सुंदर एवं आकर्षक स्थापत्य का निर्माण करते हुए अनेक विकास कार्य किए हैं। कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ है। रानी हिरई का कार्यकाल चंद्रपुर के इतिहास में दर्ज है। रानी हिरई ने अपने पति की मृत्यु पश्चात प्यार का इजहार करते हुए राजा वीर शाह की सुंदर समाधि का निर्माण किया। यह एकमात्र ऐसी भारतवर्ष में समाधि बनी है जो किसी रानी ने अपने पति के प्यार में बनाई है। इसलिए वैलेंटाइन दिवस के उपलक्ष्य में रानी हिरई को रोल मॉडल को युवाओं को अपनाने की जरूरत है। राजा वीर शाह के समाधि का निर्माण 1704 में उनकी हत्या के बाद रानी हिरई द्वारा निर्मित है। बिरसा का मकबरा या हम जिसे समाधि कहते हैं कि वह महाराष्ट्र में सबसे बड़ी किसी राजा की समाधि है और ये पूरी बालुई पत्थर से बनी हुई है। रानी हिरई ने, और ऐसे बहुत कम उदाहरण हमें हिंदुस्तान में मिलते हैं कि किसी रानी ने अपने राजा की याद में किसी समाधि का इतना दिव्य और भव्य निर्माण कराया। ये पूरा समाधि बालुई पत्थर से निर्मित है। इसकी विशेषता यह है कि रानी हिरई ने पहले इसके बहुत सारे मॉडल बनवाए और उसमें से जो मॉडल उन्हें पसंद आया वो मॉडल के आधार पर उन्होंने इस समाधि का निर्माण कराया। और ये समाधि ताजमहल के जितने झरोखे बने हैं उनसे बहुत ज़्यादा इसके झरोखे मेल खाते हैं। यानी ये गोंडकालीन वास्तुकला एक सबसे बेहतरीन नमूना है हमारे महाराष्ट्र के लिए। और किसी रानी ने अपने राजा की याद में बनाए हुए समाधि, ये भी बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। आज प्रेम दिवस है तो एक बहुत अनूठा एक प्रेम का स्मृति रानी ने अपने राजा के लिए चंद्रपुर में बिरसा के समाधि के रूप में निर्माण कराया है। मेरा नाम सूफिया शेख है, मैं APS गर्ल्स सीनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ पर चंद्रपुर के हेरिटेज पर आए जहाँ हिरई रानी ने अपने राजा के प्रेम में ये खूबसूरत सा जो मकबरा कहते हैं इसको उर्दू में, वो बनाया था वास्तु। आज मेरी लाइफ में भी मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, इसको प्रोपित हूँ। पूरे विश्व में आज वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, पर हमारे इको प्रो की टीम ने हमको बताया कि एक चंद्रपुर शहर में भी एक ऐसी रानी थी, रानी हिरई, जिसने अपने पति के प्रेम में इतनी खूबसूरत सी कलाकृति बनाई थी। हम आज पाश्चात्य के प्रभाव में हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं, हमारे स्थानिक वास्तुकला को भूलते जा रहे हैं, पर आज इको प्रो के थ्रू हमको जानने मिला है कि हम अपनी वास्तुकला को, हम अपने कल्चर को किस तरह से सपोर्ट करके आगे ले जा सकते हैं। यही आज इस दिन का महत्व कुछ अलग बना दिया है। और वैलेंटाइन डे स्पेशल हमको ये एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट मिला है इको प्रो के थ्रू। चंद्रपुर शहर की इस प्राचीन इमारत ने वास्तव में हमारी विरासत को संरक्षित किया है और अपने काम से राजा बिरसा और रानी हिरई के बीच के प्रेम को अमर किया है। साथ ही ताजमहल के खंडरों का निर्माण कर इस रानी ने एक मिसाल कायम की है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मीनाक्षी ने सलाम रानी हिरई कार्यक्रम के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। रानी हिरई और राजा बिरसा के बीच प्यार जो मृत्यु के बाद भी अमर है, उनके काम के माध्यम से जारी रहेगा। इको प्रो के बंधु धोत्रे ने विचार व्यक्त किया कि आज के युगलों के साथ साथ युवाओं को भी ऐसे स्थानों और स्मारकों पर जाकर इस आदर्श को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रोफेसर करुणा करकड़े ने भी छात्रों को इस कार्यक्रम का महत्व बताया। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।